तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर की। तो दोस्तों इनका इस्तेमाल किया जाता है पावर फैक्टर पैनल के अंदर। और ये याद रखना कि कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर के अलावा अगर आप कोई दूसरा कॉन्ट्रैक्टर यूज़ करते हैं पावर फैक्टर के पैनल में, तो दोस्तों वो कॉन्ट्रैक्टर उसी टाइम ख़राब हो जाएगा। इनके लिए अलग से ही कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। इनका इस्तेमाल किया जाता है KVR के लिए। जैसे ये 25 का KVR है और इसकी तीनों तारों पर 32-32 एम्पेयर आएंगे, तो उस 32-32 एम्पेयर को बर्दाश्त करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग कैपेसिटर कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक स्टिकर लगा होता है, उसके ऊपर देखिए जहाँ मैंने लाल रंग की लाइन लगाई हुई है ना, यहाँ से हम पढ़ते हैं कि ये कैपेसिटर ड्यूटी कॉन्ट्रैक्टर कितने KVR पर लगेगा। तीन फेस होते हैं ना, 440 वोल्ट बने, तो तीनों फेस के लिए ये यहाँ पर इसका यहाँ से हम पढ़ेंगे कि ये कितने KVR पर लगेगा। जैसे ये 25 के KVR पर कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, और अगर ख़राब होंगे तो ख़राब तो आपको नज़र आ ही जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू दोस्तों।